नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। जैसा कि मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में हम जो काम और समय की तीसरी वीडियो है, इसमें हम फिर से आगे के सवालों पर चर्चा करेंगे। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों के पास हमारी ये वीडियो पहुँच सके। आइए आगे के सवालों पर चलते हैं। जैसे आगे का सवाल ये है, जो 15वां सवाल होगा, आपने नोट किया होगा, तो आपने नोट किया होगा कि ए बी के 1/6 समय में 2/3 काम करता है। ए तथा बी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में कर लेगा। आपने ये क्वेश्चन नोट किया होगा, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने घंटों में पूरा कर लेगा। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। बताया गया कि अगर ए है और ये बी है, ठीक है, जो ए है वो बी से 20% कम काम करता है, यानी अगर बी 100 यूनिट काम करेगा एक इकाई समय में, तो इससे 20% यानी 20 यूनिट कम काम करेगा ए, अर्थात 80 यूनिट ए काम करेगा और 100 यूनिट बी काम करेगा एक इकाई समय में। तो अब ये बोला जा रहा है कि अगर एक इकाई समय में 80 यूनिट काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 7.5 घंटे लगाता है, यानी टोटल वर्क यदि ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, ए की कार्य क्षमता का गुणा कर देंगे ए जितना समय ले रहा है। जैसा कि समय देखेंगे आपके सामने दिख रहा होगा, भिन्न के रूप में समय घंटे के रूप में है। अगर इसे आप साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 7 × 14 = 15, यानी 80 × 15/2 आपके सामने दिखेगा, और 2 से यदि विभाजित करें तो ये 40 बार में 80 विभाजित हो जाएगा × 15, यानी टोटल वर्क निकल गया 40 × 15। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता से हम टोटल वर्क में भाग करेंगे, तो बी की कार्य क्षमता है एक इकाई समय में 100 यूनिट काम करने की, तो 15 × 40/100 कर देंगे। अब 1 0 से 1 0, इसके बाद 2 × 4 और 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, यानी आपके सामने दिख रहा होगा कि 2 × 3 = 6 घंटे जो समय लगेगा बी के द्वारा, वो 6 घंटे में ही वो काम पूरा हो सकता है। और आपसे यही पूछा गया था कि बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, ठीक है। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य करना प्रारंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में ही कार्य पूरा कर दिया, तदनुसार वे दोनों काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। आइए प्रश्न पर चलते हैं। ए और बी हैं, इनकी जो इफिशियंसी का अनुपात है वो क्या है, अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए कितना यूनिट करेगा, उससे 3 गुना काम करेगा। यानी अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए 3 यूनिट काम करेगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर बी किसी काम को करने में ए किसी काम को करने में 60 दिन कम समय लेता है,
तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में है, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में ही कार्य पूरा कर दिया, तदनुसार वे दोनों काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देख लेते हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो उसका 3 गुना काम करेगा ए, यानी 3 गुना बेहतर है, अर्थात जो ए की कार्य क्षमता होगी वो 3 यूनिट की होगी। आपने पहले देखा होगा कि हमने बताया था कि कार्य क्षमता और समय का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है, यानी अगर समय का अनुपात देखा जाए तो 1:3, ठीक है। अब इन दोनों की जो समय का अंतर है, यहां पर आपको कितना दिख रहा होगा, 2, जबकि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों के कार्य करने का जो समय है वो 60 है। कितना है, 60, तो 2 = 60 के, तो 1 = कितने के, 30 के। इस तरह से अगर 1 की वैल्यू 30 हो गई तो आप ध्यान दीजिएगा, हम 1 में गुना कर देंगे 30 की, तो ए उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा, ए उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा, और 3 उसी काम को गुना 30 करेंगे तो 90 दिन में ही पूरा कर लेगा, ठीक है, 90 दिन में पूरा कर लेगा। अगर बात आती है कि दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अगर एक किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 90 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर एक साथ कैसे काम करेंगे, तो हमने बताया था दोनों से विभाजित होने वाली एक कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसा कि हमने 90 लिया तो 30 90 और 90 में एक 90 हो गया, ठीक है। इस तरह से ए और बी जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 इकाई समय में 4 यूनिट काम होगा और पूरा काम कितना है, 90 यूनिट। अब टोटल वर्क में हम यदि 4 से भाग करेंगे तो आपके सामने दिखेगा 45/2, और 45/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 22 = 1/2, यानी दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो कितने समय में पूरा कर लेंगे, 22 = 1/2 दिन में ही वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्य क्षमता के जितने भी प्रश्न होते हैं आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आगे के लेवल पर चलते हैं। आगे जो लेवल हम देखने वाले हैं वो है लेवल एंड और लेवल। एंड और लेवल, इस तरह के प्रश्न इसमें मिलते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न है, 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में कर सकते हो तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं होता है आपको। इसमें आप अगर देखेंगे तो या के साथ में 2 चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है, 12 पुरुष या 18 महिलाएं, और के साथ में 2 चीजें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है 8 पुरुष और 16 महिलाएं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसे और 1 और 2, इसे एंड 1 एंड 2 बोल सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक और चीज दिख रही होगी कि उस खेत की कटाई कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टाइम जो फर्स्ट टाइम लग रहा है, टाइम 1 आप देखेंगे तो 14 दिन है और आपको पता क्या करना है, टाइम दूसरा ये आपको नहीं मालूम है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाएंगे। इसमें होता है T1 / (and 1) / (or 1) + (and 2) / (or 2), यानी टाइम अपान एंड और प्लस एंड और प्लस एंड और, जितने भी लोग रहेंगे
एंड और की मात्रा में उतने जुड़ते जाएंगे आगे, एंड और, एंड बाई और प्लस एंड बाई और, इस तरह से करके। आपके सामने ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं, समय कितना लगा, 14 दिन लगा समय। इसके बाद आप देख रहे होंगे पहला एंड कितना है, 8, पहला और कितना है 12, तो 8/12 धन। यहां से आप क्या करेंगे, 16/18 कर सकते हैं, तो 16/18। अब इसे अगर और सरल करें आप, तो 4 × 8 और 4 × 3 = 12, यहां से अगर सरल करें इसे तो 2 × 9 = 18 और 2 × 16। अब इस तरह से अगर इसे और सरल करें तो यहां से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आएगा 9, यहां अगर 3 से 9 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 3, और 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 × 6, और 9 से 9 में भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसे और सरल करें तो आप जानते हैं कि अगर हर में अगर अंश भिन्न दिया गया है, हर में अगर अंश और हर दिया गया है, तो जो हर का जो जो नीचे वाला पार्ट होता है, हर होता है, वो ऊपर वाले अंश में चला जाता है। यानी आप देख सकते हैं 14 × 9/6 × 8, इसे और अगर शॉर्ट करें तो यहां 8 और 6 को जोड़ने पर 14 आएगा, तो 14 × 9/14, यानी 14 से 14 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद बच गया 9, यानी अगर उसी काम को उसी दर से 8 पुरुष और 16 महिलाएं काम करें तो वो पूरा खेत 9 दिन में ही कट जाएगा, वो फसल 9 दिनों में काट सकते हैं अगर 8 पुरुष और 16 महिलाएं एक साथ काम करें तो। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न में बिल्कुल सेम प्रश्न है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं, या के रूप में लिखा हुआ है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं, 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं, एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा गया कि 12 पुरुषों तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए कितना समय लगेगा। आप देखेंगे उसमें और के रूप में क्या क्या लिखा हुआ है, 12 तथा 24, 12 पुरुष और 24 महिलाएं, 12 पुरुष और 24 महिलाएं लिखा हुआ है कि ऐसे 3 घरों को पेंट करने में कितना समय लेंगे। तो अभी 3 को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये पता करिए कि उसी तरह का अगर एक ही घर हो, अगर उसे पेंट करना हो, तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं कितना समय लेंगे। हमने बताया था आपको समय यानी 33 दिन बटा एंड बटा और प्लस एंड बटा और, इस तरह से करेंगे, यानी 12 बटा 8 प्लस 24/17, यहां से ऐसे काम करना है आपको। अगर यहां आप 4 से इसको विभाजित करें, 4 × 3 = 12 और 4 × 8 आपको मिलेगा, इसे और आगे तक सॉर्ट करें तो 33/, अगर इन दोनों का एलसीएम आप लेते हैं 17 × 2 का, तो आप इसे 17 × 2 ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर 17 × 2 में 2 से भाग देंगे 17 बचेगा, 17 × 3 = 51 प्लस यहां 2 बचेगा 24 × 48, क्योंकि यहां जो 17 × 34 था, 2 × 17 उसे हमने ऊपर भेज दिया, जैसे कि हमने पिछले वाले प्रश्न में किया था। उस तरह से एक बार आगे और देख लेते हैं इसे सॉर्ट करने में, 33 × 2 × 17 बटा, अगर इसे आप जोड़े तो 8 × 1 = 9 और 5 × 9 = 99 आपको मिलेगा, और 33 से अगर 99 को विभाजित करेंगे 3 बार में विभाजित हो जाएगा, यानी आपके सामने दिख रहा होगा 34/3, और इसे और शॉर्ट करेंगे आप
तो 3 × 1 = 3 और यहां भी 3 × 1 = 3, 11 सही 1/3 दिन आपको लगेगा। कितना काम करने में? अगर एक घर जो पेंट किया गया 8 पुरुषों और 17 महिलाओं द्वारा एक घर पेंट करने में लगा, तो अगर 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी घर को पेंट करें तो कितना? 34/3 दिन में ही पेंट कर सकती हैं। लेकिन क्या कहा गया है प्रश्न में? प्रश्न में यह कहा गया है कि 3 घर को पेंट करना है। अब आपसे अगर एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाए कि एक किसी काम को अगर 10 यूनिट काम है और एक इकाई समय में 1 यूनिट काम करता है ए, ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए 20 यूनिट काम कितने समय में लगेगा, 20 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर हम काम का दोगुना करेंगे तो समय भी दोगुना लगेगा। काम का अगर दोगुना करें तो समय भी दोगुना लगेगा। इस तरह से अगर पूछा जाए कि 5 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, यानी अगर हम 10/2 करते हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे 10/2 करेंगे तो समय में भी 10/2 करना पड़ेगा। अर्थात काम का जितना भी पार्ट करेंगे समय का उतना ही पार्ट करना पड़ेगा। तो आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि एक घर को पेंट करने में 34/3 दिन का समय लगता है, तो ऐसे 3 घरों को पेंट करने में यानी 3 गुना काम करना पड़ेगा, तो 3 गुना समय भी तो लगेगा। तो 34/3 दिन गुना 3 अगर आप करते हैं तो 3 से 3 आप विभाजित कर देंगे, बचेगा 34 दिन। अर्थात अगर 12 पुरुष और 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को पेंट करें तो कितना समय लगेगा? 34 दिन। आइए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। आप प्रश्न देख रहे होंगे, यदि 2 आदमी या 4 औरतें एक खेत की फसल को 44 दिन में काटते हैं, आगे लिखा होगा, तो 3 आदमी और 5 औरतें उस खेत के 3/4 भाग फसल को कितने दिनों में काटेंगे? अगर या के रूप में बात करी जाए तो 2 पुरुष या 4 औरतें अगर एक खेत की फसल को काटें तो कितना समय लगता है? 44 दिन का समय लगता है। आपसे पूछा क्या गया? बताइए 3 पुरुष और 5 महिलाएं अगर उस खेत के 3/4 भाग को काटें तो कितने दिन का समय लगेगा? कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी खेत को काटने में कितना दिन लगेगा हम ये ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम जिस तरह से हम कार्य का भाग करते हैं, कितना पार्ट उसे काटना है या फिर कितना पार्ट कटवाना है, ठीक है, तो उस तरह से हम समय का भी भाग कर देंगे, जैसे पिछले के प्रश्न में किया हमने। यहां से हमको क्या करना है? यहां से सिर्फ यही करना है, 44 दिन का समय लग रहा है तो एंड बटा और फार्मूला जो हमारे पास है एंड बटा और का, यहां से हम कर सकते हैं 3/2, 3 पुरुष और 3 पुरुष, यहां पे 2 पुरुष है, ठीक है, तो 3 पुरुष/2 पुरुष प्लस यहां से 5 महिलाएं/4 महिलाएं, 5/4, यहां से इस तरह से कर सकते हैं हम। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इनका 4 आएगा, 44/, यहां अगर एलसीएम 4 आता है, अगर हम 2 से 4 में भाग देंगे तो हमें भागफल 2 प्राप्त होगा और 2 से हम 3 में गुना करेंगे तो 6 आएगा, प्लस अगर 4 में 4 से भाग दें 1 आएगा, 1 का गुना 5 में करेंगे तो 5 मिलेगा हमको। इस 4 को हम इधर 75 कर देंगे, इस 4 को हम ऊपर भेज देंगे तो 44 × 4/, आप देखेंगे तो 6 और 5 मिला करके 11, और 11 चौके 44,
अर्थात अगर आप देखेंगे तो अगर उसी फसल को काटना हो, उसी खेत की फसल को काटना हो, तो तीन पुरुष और पांच महिलाओं द्वारा कितना समय लगेगा? 16 दिन का समय लगेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि उस खेत के 3/4 भाग की फसल को अगर काटना हो तो कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है आपको, आपको जितना भी समय मिला है उसका 3/4 भाग कर दीजिए। अब 4 चौके 16 और यहां से आ गया 4 × 3 12 दिन, 12 दिन का समय लगेगा। आपने देख रहा होगा, आपको आइए इस वीडियो के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 20 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 खिलौने 24 दिन में तैयार करते हैं, तो कितने दिनों में 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 आदमी 48 खिलौने तैयार कर सकते हैं? ये थोड़ा सा दूसरे लेवल का प्रश्न है। इसमें जो आदमी है एम बराबर कितने हैं? 20 हैं। एम बराबर 20 हैं। समय यानी हावर्स कितना लग रहा है? 8 घंटे लग रहा है। काम कितना करना है? 40 खिलौने तैयार करना है। यानी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 8 घंटे करते हैं। कितने दिन तक काम करेंगे? डे कितना लग रहा है? 24 दिन। हम इसे M1, H1, W1, D1 कर लेंगे। इसके बाद आगे कितने लोगों से काम करवाना है? तो आगे बताया गया M2 बराबर 38 लोग रहेंगे। कितना घंटा काम करवाना है? तो H2 बराबर 16 घंटा काम कराना है। वर्क कितना है? W2 48 खिलौने तैयार कराना है। तो ये पता करना है कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। यानी D2 आपको पता करना है, जो कि आपको नहीं पता। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, MDH का फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, अर्थात M1 × D1 × H1 / हम W1 कर देते हैं, बराबर में सेम लिख देते हैं M2 × D2 × H2 / W2। इस तरह का फॉर्मूला आपके सामने दिखेगा। ऐसे जो प्रश्न होते हैं हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल आसानी से कुछ समय में ही सॉल्व कर सकते हैं। M1 की वैल्यू कितनी है? 20 गुणते D1 की वैल्यू 24, H1 की वैल्यू 8, W1 की वैल्यू 40 आपको दिख रही होगी। यहां से M2 38 है, D2 आपको पता नहीं है, तो इसे हम D2 ही लिख देते हैं। इसके बाद आपको H2 दिया गया है 16 घंटे, और W2 काम कितना करता है? काम कितना करना है? तो 48, 48 काम करना है। फिर से देख लेते हैं, 20 × 24 × 8 और बटा में 40, इनकी वैल्यू हम यहां पे पुटअप कर देंगे। इसके बाद 38 × D2, क्योंकि D2 हमें पता करना है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, × 16 / 48। अब यहां से अगर आप विभाजित करें तो 16 × 48, इसके बाद यहां 20 × 40, और इसको और सॉर्ट आउट करें तो 2 और यहां 12 से हम विभाजित कर सकते हैं, 12 × 24 होता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, अगर हम D को यहीं रखें और इन दोनों को हम पक्षांतर करें तो D2 बराबर क्या हो सकता है? ये इधर आके गुना के रूप में हो जाएगा, 12 × 8, ये 3 आकर के गुना के रूप में, यानी × 3, और 38 को 38 से हमको भाग देना पड़ेगा। इस तरह से 19 × 38 होता है। इसके बाद 6 × 12 आपके सामने दिख रहा होगा, 6, 8 और 3, यहां 6 × 3 = 18, और 18 और 6 = 144 होता है। 144
इतना दिन लगेगा, यानी 144 बटा 19 दिन लगेगा। इसे और आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हों तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।